गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 18, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। तो आज संडे का दिन है तो आज स्पेशल एडिशन आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो है हर सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ऑफकोर्स, तो कल से तो मैं ही करूँगा। तो थोड़ा सा डिले के लिए आप सभी को अपोलोजाइज करता हूँ और आपके पेशेंस के लिए आपका थैंक यू भी करता हूँ। तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, कोई बात नहीं, आज सुबह नहीं होगा तो शाम को हो जाएगा। अपना काम क्या है, अपना काम पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना, वही अपना मेन टारगेट रहता है। तो संडे का दिन है तो आज एडिटोरियल्स वगैरह आते नहीं है, साइंस एंड टेक वाले से कुछ पोर्शन आता है। टॉपिक आज अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ नए टॉपिक हैं, रिपीटेड टॉपिक बहुत कम है यहाँ पे। तो पहला टॉपिक जो फ्रंट पेज पे है वो कहता है कि चीता फॉर द नामीबिया गेट अ न्यू होम इन इंडिया। तो ये होम कहाँ है भैया, ये होम है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, क्यूनो नेशनल पार्क। चलिए यहां से सवाल पूछता हूं आपसे, आप मुझे ये बताइए कि क्यूनो को क्यूनो नेशनल पार्क कब बनाया गया था। देखिए हमेशा से तो नहीं था ये, पहले ये जो क्यूनो नेशनल सेंचुरी हुआ करती थी, सेंचुरी के बाद इसको क्यूनो नेशनल पार्क बना दिया गया। पहले यहाँ पे गुजरात से जो गुजरात लायंस है ना, एशियाटिक लायंस, उनको रिलोकेट करने का प्लान था, लेकिन वो प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फाइनली भैया हम लोगों ने अफ्रीका से चीताज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अफ्रीका में भी कहाँ से, नामीबिया से किया है। कितने चीते के किया, 8 एनिमल्स को किया, जिनमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। हालांकि हमारी कोशिश थी कि 12 चीते हम लोग साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे, अभी साउथ अफ्रीका से नहीं आ पा रहे हैं, उसका उन्होंने वहां पे अभी इतना ज्यादा स्क्रीनिंग वगैरह वहां पे चल रहा है, आई होप फ्यूचर में वहां से भी आ जाएंगे, बट फिलहाल जो आए हैं वो आए हैं क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन एक चीज आपको बताता चलूं कि अभी जो ये चीते आए हैं ना, देखिए मोदी जी का जन्मदिन था कल, तो इन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर जो है अपने आपको गिफ्ट दे दिया। अभी ये चीते जो है पूरे जंगल में नहीं घूमेंगे, समझ रहे हो बात, अभी जो है इनके लिए छोटे छोटे बाड़े बनाए गए हैं जहां पर इनको छोड़ा जाएगा। देखिए इन सभी के जो है गले में से कोलर आपको नजर आ रहा होगा, कोलर लगाए गए हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग इनकी की जाएगी, टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, राइट। तो एक महीने के लिए आप ये समझ लीजिए इनको क्वारंटाइन में रखा गया है, ठीक है, क्वारंटाइन में रहेंगे एक महीने, इनकी हर चीज मूवमेंट को, टेम हेल्थ को, सब चीजों को मेजर किया जाएगा, उसके बाद जो है पूरे जंगल में इनको छोड़ा जाएगा। तो फिलहाल तो एक महीने का क्वारंटाइन है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, बाकी वही नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। 1952 में भैया एक्सटिंक्ट हो गया था चीता, 1947 में जो है इसको मध्य प्रदेश में ये महाराज हुआ करते थे, उन्होंने मार दिया था चीताज को, लास्ट चीता जो है उन्होंने मारा था वहां पे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, अब लेट्स सी क्या रहेगा आने वाले टाइम में, नहीं रहेगा। लेकिन क्यूनो नेशनल पार्क जो है काफी न्यूज में है, और क्यूनो नेशनल पार्क के एक साइड में जो है रणथंभौर भी है, दूसरी तरफ जो है वो क्या नाम है उसका, मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है वो, जो है वो एक और नेशनल पार्क भी है। तो चीता को अगर फ्यूचर में ज्यादा संख्या होती है चीताओं की यहाँ पे, तो वो जो है इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, आराम से घूम फिर सकते हैं। फिलहाल ये जो क्यूनो नेशनल पार्क है, ऐसा माना जाता है कि 30 से 40 चीताज को अगले 10-15 सालों में ये लोग कर सकते हैं, उसको कैपेसिटी है इसके पास, क्योंकि एक जो फीमेल है चीता वो अपने पूरे लाइफ टाइम में 10 से 15 बच्चों को तो वैसे जन्म देती है। तो हेल्दी अगर यहीं रहेंगी तो भैया इनकी संख्या ही काफी बढ़ जाएगी, अफ्रीका से लेके आने की जरूरत है ही नहीं। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे चीता के बारे में चल रही है, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि भाई ये अफ्रीकन चीता है, हम तो एशियन कंट्री है, ठीक है, तो एशियन का हमारा जो क्लाइमेट है क्या वो इसको सूट करेगा क्या नहीं करेगा। एशियाटिक चीता भी जहां पाया जाता है वो सिर्फ ईरान में पाया जाता है, ठीक है, ईरान में, और ईरान में जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो बात तो हमारी शुरुआत ईरान से ही हुई थी, और ये आज की बात नहीं है, ये 1970s की बात है, जब इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, तब से जो है बात चल रही थी। उसी समय उन्होंने प्रोजेक्टर टाइगर भी चलाया था, राइट, लेकिन चीता अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, क्योंकि 1971 में क्या हुआ था आपको पता ही है ना, ईरानियन रिवोल्यूशन हो गया था, तो वो सब चीजें जो है वो तब समय चली गई। अभी ईरान ने हमें मना कर दिया देने से कि भैया हम आपको नहीं देंगे, तो फाइनली फिर हम लोगों को जो है नामीबिया से जो है लेना पड़ा। दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता रिलोकेशन प्रोग्राम है ये, इससे पहले भी कभी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं किया, हाँ कंट्री के अंदर किया गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे अफ्रीका में ही नामीबिया से जो है जिम्बाब्वे में किया गया था, कीनिया में किया गया था, वो चलता है इंट्राकॉन्टिनेंट, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंट पहली बार हुआ है। तो भैया इंडिया वाले जो करते हैं वो तीज तगड़ी करते हैं, हल्की फुल्की में तो हमें मजा आता ही नहीं है, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट जो कहते हैं भैया, कहता है चाइना ब्लॉक्स लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर साजिद मीर एट UNSC। तो देखिए ये क्या है, ये दोगलापन दिखाता है चाइना का। अभी क्या चल रहा है, SCO की मीटिंग चल रही है ना,
एक तरफ एससीओ की मीटिंग चल रही है जहां पे मिस्टर जी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भैया हमें एक साथ आना चाहिए इस ग्रुपिंग को टेररिज्म से लड़ने के लिए, हम भी टेररिज्म से परेशान हैं, पर सारी दुनिया परेशान है। और दूसरी तरफ कल चाइना वीटो कर देता है जब साजिद मीर को, जो लश्कर ए तैयबा के कमांडर हैं, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात आती है। भैया एक तरफ था कुछ और कह रहे हो, दूसरी तरफ आप वीटो कर रहे हो, जबकि लश्कर ए तैयबा जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा काफी पहले ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके कमांडर को जो है आप टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करना दे रहे हो। ये है चाइना का दोगलापन। सारी दुनिया इसको जानती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे का मेंबर भैया पाकिस्तान भी है, चाइना, रशिया है ना, दूसरी कंट्रीज भी हैं। तो ये है पूरे का पूरा मामला। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है यार, बात इतनी है कि एक तरफ आप इंडिया से एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपके जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, दूसरी तरफ जो है आप पाकिस्तान को उनके खुलेआम का समर्थन करते हो, जबकि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इंडिया में होने वाली एक्टिविटीज के लिए फाइनेंसिंग करता है, फंडिंग करता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। तो दोगलापन है। चलिए अगली न्यूज भी जो है कुछ ना कुछ यहीं से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है। तो भैया हमारे सुपरस्टार जयशंकर जी कहाँ गए हैं, यूएसए में गए हैं, क्योंकि वहां पे करने वाले हैं वो मीटिंग, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। तो 77th जो सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसको वो जो है जो होने वाला है, कब से, आज से शुरू हो गया है वो, 24 तक चलेगा। और जहां पे ये टेररिस्ट वाला जो प्रपोजल आया था ना, वो उसके अंदर ही बेसिकली आया था। तो यहाँ पे कई सारी चीजें जो है वो हमारे मतलब हमारे आजकल तो सुपरस्टार ही बोलेंगे, इतने इतने फेमस कोई भी आज तक इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुए नहीं है, है ना। इनके अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखो तो ये लाखों व्यूज आते हैं इनकी इनकी डिस्कशंस के, बड़ा जबरदस्त बोलते भी हैं और काफी अजर्टी तरीके से इंडिया की इमेज पेश करते हैं दुनिया के सामने। वो गया जमाना जब इंडिया डरपोक हुआ करता था, बड़े बड़े लोगों की बात सुन लिया करता था, आजकल हम बोलते हैं दुनिया सुनती है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जयशंकर जी को भी जाता है, है कि नहीं। तो एक तो खैर मीटिंग हम लोग करेंगे यूएनजीए के अंदर जो करने वाले हैं, उसके अलावा इंडिया ने अभी अमेरिका को भी जो है, मतलब ऑफ कोर्स डांटेंगे तो नहीं, लेकिन अपना जो डिसप्लेजर है वो हम शो करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि F-16 जो फाइटर जेट है इसकी अपग्रेडेशन कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से ही लिया था पाकिस्तान ने। तो $450 मिलियन का नया पैकेज साइन किया है पाकिस्तान अमेरिका ने, तो इंडिया को इससे थोड़ा खुश नहीं है, हालांकि हम समझते हैं उनकी मजबूरी भी, बट या वो सारी चीजें चल रही हैं। तो ये तो हम लोग टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं। अभी और कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे एजेंडा के ऊपर होने वाली हैं। पहली बात तो भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म करिए, ये हमारे एजेंडा पे काफी फ्रंट पे रहने वाला है। बहुत समय से इंडिया ये डिमांड कर रहा है कि भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो 5 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, कम से कम जो है वहां पे 25 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, कुछ परमानेंट, जैसे 10 परमानेंट और 15 नॉन परमानेंट। अभी वहां पे कितने परमानेंट हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। ये डिमांड जो है इंडिया करेगा, हमेशा करते ही रहते हैं, और इस डिमांड में हम लोग अकेले नहीं है, हमारा एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है G4। कौन कौन है इसके अंदर, इसके अंदर आता है ब्राजील, जापान और जर्मनी और इंडिया, ये 4 कंट्री हैं G4 के अंदर। क्योंकि हमारा यू नो गोल सेम है, हम सब चाहते हैं कि भैया हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने। भैया ये देखिए यार, 1940s की आप बात कर रहे हो, तब से लेके जमाना कितना चेंज हो गया ना, कितने साल हो गए उन बातों को, 80 साल हो गए हैं, अब तो सुधरने की जरूरत है ना, अब उसको डेमोक्रेटाइज करिए। समय बदल गया है, देशों की इक्वेशन बदल गई है, इकोनॉमी बदल गई है, ट्रेड बदल गई है, पावर इक्वेशंस बदल गई हैं, तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत है। चलिए हम तो कर रहे हैं भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबरशिप दीजिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में एक और ग्रुप है जिसे कहा जाता है कोफी ग्रुप, जिसके अंदर अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ठीक है, इटली, वो सब कंट्री आती है कोफी ग्रुप के अंदर। ये चाहते हैं कि इनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिले, ये चाहते हैं कॉफी ग्रुप के अंदर। पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्ग वहां पे इंडिया की मेंबरशिप को अपोज करता है। एक और जो मीटिंग वो करने वाले हैं वो है L69 ग्रुप। ये देखिए प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछेगा कि L69 वाज रिसेंटली न्यूज एंड इट इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर जो है पूछ सकता है कि कौन कौन से मेंबर जो कंट्रीज का मेंबर है। L69 याद रखना आपने, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लीस्ट डेवलप्ड, 69 का मतलब कंट्रीज हैं, 69 कंट्रीज का ग्रुप है ये जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, वो ये अफ्रीका से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से, कैरिबियन कंट्री हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, ठीक है, याद रखना है आपने 69 लीस्ट डेवलप्ड एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, इनका भी एक ग्रुप है।
और ये इनका क्या डिमांड होता है, इनका डिमांड होता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज होगा सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है, इन आइलैंड कंट्रीज को होने वाला है। तो भैया ये भी अपनी आवाज वहां पे उठाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे ग्रुप हैं, जैसे मतलब बड़े ग्रुप हैं ऑफकोर्स, तो ये भी मीटिंग में रहने वाले हैं, क्वाड, इब्सा, ब्रिक्स, सीलैक, आपने याद रखना है सीलैक पहली बार आ रहा है सामने, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड द कैरेबियन स्टेट्स, और कैरिकॉम मतलब कैरेबियन कम्युनिटी, इन सभी से जयशंकर जी मिलने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग बातों पे बात करेंगे, देखते हैं क्या रहने वाला है, अभी एक दो दिन के अंदर न्यूज यहाँ से आने वाली है, ठीक है जी। एक और जो है छोटी सी न्यूज है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएनएस विक्रांत के बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छी खासी बातें कर चुके हैं, तो अभी हमारी नेवी जो है यहाँ पे कुछ डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स लगाने वाली है, जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके अलावा मल्टी फंक्शनल डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रडार वगैरह वो सब लगाने वाले हैं, इसमें समय लगता है। तो अभी हम लोग ने इसको सिर्फ कमीशन किया है, अभी समय लगेगा यहाँ के इक्विपमेंट वगैरह को डालने के लिए। कहने का मतलब यह है कि अभी हमारा जो आईएनएस विक्रांत है वो डिफेंस रेडी नहीं है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायल चलने वाले हैं, अभी जैसे जो हमारे पास जो मिग 29 के है हम वहाँ पे वो भी सेटअप करने वाले हैं, उसके अलावा राफेल जो है वो भी हो सकता है, उसके अलावा बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट है। देखिए पाकिस्तान के पास क्या है, F-16 है, हमारे पास क्या है, F-18 है। F-16 यो भी यूएसए से लिया गया है, F-18 जो है वो भी यूएसए से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये है दोनों के यहाँ का मामला। उसके अलावा आईएनएस विक्रांत के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, है ना, ये तो हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आईएनएस विक्रांत के अंदर एक जो बहुत खास बात है वो क्या है, वो ये है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी में काम करता है उसका नाम है स्टोबार, ठीक है, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसका मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो भी जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं वो उड़ान भरते हैं, उसके लिए बहुत छोटा रनवे होता है, छोटे से रनवे के ऊपर ही वो उड़ान भर लेते हैं। और एक और बड़ी खास बात होती है यहाँ पे, जैसे ये डेक होता है ना, तो यहाँ पे जो है प्लेन्स वगैरह की वर्टिकल लैंडिंग भी हो सकती है। देखिए जेट है ना, वो वर्टिकल टेक ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, जैसे राफेल है, ठीक है, उसको ऐसे आने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ऐसे भी नीचे आ सकता है। तो ये भी बड़ी खास बात है स्टोबार की। और इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है पावर देने के लिए विक्रांत को, वो इंजन जो है वो जनरल मोटर्स कंपनी से आता है, बहुत बड़ा इंजन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा न्यूज है, इसमें कुछ ऐसे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है। तो ये जिस जहाज में भैया वो चीता आए हैं इसके बारे में बताया गया है कि ये इसकी अपनी हिस्ट्री रही है, ये जो है एक प्राइवेट जेट है, और पहले ये रशिया के अंदर एक प्रोजेक्ट टाइगर था रशिया के अंदर, ठीक है, उसके लिए भी इसका यूज किया गया है। रशिया के अंदर जो टाइगर पाए जाते हैं अमोर टाइगर उनको कहा जाता है, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको रखा गया था। फिर अभी पिछले 5-6 साल से जो है ये कभी अर्जेंटीना में चला जाता है, कभी स्पेन में चला जाता है, तो पिछले 4-5 साल से तो स्पेन के एयरपोर्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ था। तो स्पेशली चीता के प्रोजेक्ट के लिए इनको कॉन्टैक्ट किया गया और इसको रिफिट किया गया, इसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा वो सारी चीज़ें मेंटेन की गई, ट्रायल वगैरह किए गए, तब जाके जो है इसमें चीताज को इंडिया में लेके आया गया। तो आप इसके सामने देख सकते हो ये जो टाइगर है जो पाया जाता है रशिया के अंदर, है ना, अमोर टाइगर, उसकी फोटो है ये, चीता की नहीं है, चीता की फोटो अलग होती है कि नहीं। चलिए बाइडेन वॉन्ट्स पुतिन अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। आपको पता ही है खार्किव के अंदर भैया भगा भगा के मारा है रशिया वालों को, यूक्रेन वालों ने, तो वो खार्किव छोड़ के भाग गए हैं। और ऐसा और कई जगह से न्यूज भी आ रही है कि भैया यूक्रेन वाले हैवी हो रहे हैं रशिया वालों के ऊपर। तो बाइडेन ने यह कहा कि भाई ऐसा ना हो कि परेशान होकर पुतिन जो है वो न्यूक्लियर का यूज करते हैं। इन्होंने वार्निंग दिया है रशिया को, पुतिन को, कि भैया अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया तो भैया हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है, सीधा World War III हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थोड़ा सा आप क्या करिए, विड्रॉ करिए, जो बची कुछ इज्जत है उसको अपना लेके वॉर को एंड करिए, ठीक है। जो आपको अचीव करना था आप अचीव कर चुके हो, आपका जो मैसेज था पहुंचना चाहिए था वो पहुंच चुका है, तो फालतू में क्यों मारामारी कर रहे हो। इवन मोदी जी भी गए थे, उन्होंने भी यही कहा पुतिन को कि भाई आप मारामारी मत करिए, वो समय चला गया है, ठीक है, थोड़ा प्यार से मोहब्बत से रहिए, तो उन्होंने भी उनको कहा है। आगे बढ़ते हैं, हाउ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग इंडियन मॉनसून। हालांकि एक रिसर्च का मुद्दा है, कोई एज सच कोई 100% ऐसे एविडेंस हमारे पास नहीं है जो ये बताते हो कि भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून कितना इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट हो रहा है, नो डाउट, कितना इम्पैक्ट हो रहा है ये अभी तक स्टडी का मुद्दा है। तो उन्होंने ये कहा कि भैया कुछ जो चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, तो इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने ये कहा कि एक तो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है। इन्होंने ये कहा कि जो लो प्रेशर सिस्टम जो डेवलप होता था नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर वो धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है,
ठीक है, पिछले 10-15 सालों में नजर आ रहा है कि लो प्रेशर सिस्टम वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान वाला एरिया जो है, सदर्न राजस्थान, यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है पिछले कुछ सालों में, रादर देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया जहां पे यूजली हुआ करता था। तो एक तो ये इम्पैक्ट जो इन्होंने बोला है काफी नजर आ रहा है, और इसी की वजह से सेंट्रल इंडिया में काफी फ्लड वगैरह भी देखने को मिल रही है। ठीक है, यूजली पहले यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता था, तो इन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, और इसमें कोई बड़ा रीजन इन्होंने नजर नहीं आता है। एक चीज इन्होंने ये कही कि भाई जो पैटर्न है रेनफॉल का वो कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, वो ऐसे चेंज हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे पहले क्या होता था, 1 महीने में 15 दिन रेनफॉल होता था लेकिन वो नॉर्मल रेनफॉल होता था। अब क्या हो रहा है, 1 महीने में सिर्फ 5 दिन ही रेनफॉल होता है लेकिन जब वो होता है तो बहुत तगड़े वाला होता है, समझ रहे हो, इंटेंस होता है, और इंटेंस रेनफॉल की वजह से जो है फ्लड आता है, क्योंकि एकदम से इतना ज्यादा रेनफॉल जब हो जाता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोप अप करने का मौका नहीं मिल पाता और फ्लड वगैरह जनरेट होता है। तो ये चीज इन्होंने कुछ कुछ कही है कि मॉन्सून का पैटर्न का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, वेरिएबिलिटी चेंज हो रही है, और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। एक तो लानीना, पिछले 2 साल से लानीना जो है वो जोंगा त्यों बना हुआ है पैसिफिक ओशन के अंदर, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 1902, मतलब समझ सकते हो ना, 120 साल हो गए हैं, पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतना इंटेंस मॉनसून का पैटर्न जो है वो इतना ज्यादा इंटेंस हुआ है पहली बार 1902 के बाद, और लानीना लगातार इतने लंबे समय के लिए वहां पे टिका हुआ है। लानीना का मतलब क्या होता है, जो हमारा पैसिफिक ओशन होता है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, हालांकि वो पहले ही ठंडा रहता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, लेकिन लानीना के कंपैरिजन में वो नॉर्मल से ज्यादा ठंडा होता है। उसके अलावा जो है इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो नेगेटिव चल रहा है, साउथवर्ड मूवमेंट जो है मानसून का डिप्रेशन की वो भी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये और ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं हिमालय के अंदर, तो ये कुछ कुछ फैक्टर है जो मानसून को मोर और लेस काफी इम्पैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में काफी ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने कही हैं, और इसी का नजर आपको नतीजा नजर आता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लड कहीं कहीं पे चल रही है, चाइना के अंदर भयंकर ड्रोट चल रहा है, ये भी तो मानसून का ही कारण है ना, मतलब वहां पे नहीं हो रहा है ना, वो मतलब जैसे मानसून ब्रेक कहते हैं तो ड्राई कंडीशन चालू हो गई हैं। तो ये कुछ कुछ इन्होंने कहा, और इसके ये भी कहा है कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी खरीफ क्रॉप के ऊपर। ठीक है, स्पेशली राइस प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि तो बारिश ही नहीं होगी, अगर जून जून के महीने में हाफ ऑफ जुलाई में रेनफॉल नहीं होगा तो भैया राइस प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, लोग हार्वेस्ट करेंगे ही नहीं, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस बार जो है खरीफ की फसल कम लगाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी फूड प्रोडक्शन को और हमारी फूड सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ये काफी ज्यादा हुए हैं जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट अटैक होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी तो कम हुई ही हुई है, साथ के साथ क्वालिटी भी हैम्पर हुई है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है आपकी क्रॉप्स की जब उसके ऊपर पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो कुछ कुछ चीजें, मतलब इन्होंने ये कहा कि भैया फ्यूचर के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, जो चीजें जिस तरह से चल रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज से लड़िए। ठीक है, जो एफर्ट हम लोग ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, उसको और ज्यादा आगे लेके जाने की जरूरत है, तो इन्होंने कहा है। चलिए, मैचिंग इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो जीएस पेपर 3 के हिसाब से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। एनवायरमेंट इकोलॉजी अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उसके अंदर एक टर्म आपने सुना होगा जिसे कहते हैं नीश। ठीक है, इकोलॉजिकल नीश इसके कहते हैं, इकोलॉजिकल नीच भी कह सकते हैं। नीश का मतलब ये होता है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो भी स्पीसीज होते हैं उनका एक खास बहुत ही यूनिक लाइफस्टाइल होता है, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल आपको दूं मैं, जैसे स्पैरो होती है, ठीक है, या पिजियन जो होते हैं, या क्रोज जो होते हैं, या कोई और कोई, जैसे कोई मैंगो प्लांट हो गया। ठीक है, जितने भी स्पीसीज होते हैं इन सब का एक यूनिक स्पेस होता है हमारी इकोलॉजी के अंदर, क्योंकि कोई भी दो अलग अलग स्पीसी एक जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर नहीं रहते हैं, उनको सेपरेट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, सेपरेट टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, सेपरेट फूड वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, सेपरेट जगह पे रहना पसंद करते हैं, हर किसी की अलग अलग एक यूनिकनेस होती है, उस यूनिकनेस को कहते हैं नीश।
सो दिस इज अ प्लेस ऑफ पर्टिकुलर स्पीसी इन अ इकोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, जो और इसी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। अब सोच के देखें, स्पैरो और पिजियन, अगर इनका नीच बिल्कुल सेम होता, डिट्टो होता 100%, तो क्या वो सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे होते। अब ये सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट नहीं करते हैं, इसलिए सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि भैया इकोलॉजिकल नीच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए। जैसे डेजर्ट प्लांट्स का एक अलग स्पीसीज होता है ना, जो यू नो जो हमारे पास लेक्स होती हैं, जो जो हमारे पास वेटलैंड्स होती हैं, उनके अंदर जो स्पीसीज होते हैं उनका एक अलग नीच होता है। हायर हिमालयन हाइट्स के ऊपर जो होते हैं उनका अलग नीच होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज, ये जो कोई इकोलॉजिकल नीच है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे मान के चले जैसे राइस है ना, पैडी कल्टीवेशन में लोग करते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वो बासमती लगाई जाती है, ठीक है, इसका एक अपना नीच है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर सोइल के अंदर पर्टिकुलर वाटर कंज्यूम करता है, ये इसका नीच है, यहाँ पे सर्वाइव करता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ हैबिटेट चेंज, इन क्रॉप्स का नीच चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये नया नीच अडॉप्ट कर लेते हैं फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है, किसका एग्जांपल दिया है, सैफ्रोन का एग्जांपल दिया है। सैफ्रोन जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पैदा होता है ना, आपको पता है उसका अच्छे से, केसर जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इनका ये कहा कि सैफ्रोन का एक सेपरेट नीच होता है, अगर हम लोग उस नीच को स्टडी करें तो कई जगह पे सैफ्रोन को ग्रो किया जा सकता है। वैसे दुनिया का 90% जो सैफ्रोन है वो ईरान के अंदर ग्रो होता है, इंडिया में जो है कहाँ ग्रो होता है, कश्मीर के अंदर ग्रो होता है, क्योंकि इसको स्पेशल सोइल स्पेशल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर सेम नीच सेम इकोलॉजिकल कंडीशन अगर कहीं और पे पाई जाएंगी तो वहां पे भी सैफ्रोन को ग्रो किया जा सकता है। जैसे कश्मीर में तो है ही, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर, तमिलनाडु में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे सैफ्रोन के लिए नीच को फाइंड आउट किया गया है। ऐसे ही दूसरी क्रॉप्स के लिए भी किया जा सकता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जगह पे ग्रो करें और सर्वाइव भी कर सकें। तो ये इन्होंने कुछ कुछ चीजें कही हैं। तो बहुत मतलब एक ये कहूंगा कि वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्टिकल तो नहीं है ये, लेकिन हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए कि नीच क्या होता है, कैसे चीजें काम करती हैं, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक वैसे रिपीटेड है, हम लोग इसको पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसमें भी। देखिए क्या रहता है ना, जैसे हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट है, अब ये थर्मल पावर प्लांट से जो ऐश निकलती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इसमें बहुत सारा CO2, बहुत सारा SO2 जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चला जाता है, या तो वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं या फिर वो हमारे पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो कि पोल्यूशन फैलाते हैं। अब इसके लिए जो है एक तरीका है, इसके लिए तरीका ये है कि एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जिसे जो है एक वो टेक्नोलॉजी होती है। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, चिमनी वगैरह होते हैं, इसके अंदर वो लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, SO2 को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, SO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जा पाता। अब भैया इस टेक्नोलॉजी को एडोप्ट किया जाना था इंडिया के अंदर, तो पहले टारगेट रखा गया था 2015 में स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर 2017 तक इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनके अंदर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे। अब 2017 तो कब का चला गया भैया, 2017 में हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सटेंशन दे दिया 2021 तक का, फिर इनको एक्सटेंशन दे दिया गया, फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो अभी सरकार ने क्या एक्सटेंशन दिया है कि भैया जो दिल्ली NCERT के 10% के रेडियस में, मतलब जो 1 मिलियन प्लस सिटी हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है, उन सिटीज के अंदर 2024 तक की डेडलाइन दे दी गई है, मतलब डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने के लिए। जो बाकी दूसरे क्रिटिकल सिटीज हैं उनकी डेडलाइन जो है 2025 है, पूरे देश के लिए डेडलाइन जो है वो 2026 है। कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो थर्मल पावर प्लांट हैं ये इस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार से बार बार बोल रहे हैं कि माई बाप हमारे बस की बात नहीं है, आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए, सरकार भी जो है एक्सटेंड उसको करे जा रही है। इसी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है, SO2 का जो एमिशन है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सीधी सी बात है भैया, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो तो इसको गाली देंगे ही। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, क्या कहते हैं, गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, जिसको वहां पे उनको एडोप्ट करना है। अब सरकार कह रही है भैया हम लोग क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, सरकार ने अपना पार्लियामेंट के अंदर बताया, उन्होंने कहा कि हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी काफी टाइम कंज्यूमिंग है यार, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कम से कम 36 से 42 मंथ लगते हैं, मतलब 3 से 3.5 साल लग जाते हैं, तो इसीलिए किया जा रहा है। दूसरी वजह है हमें पेंडेमिक,
तो 2 साल तो पेंडेमिक ही चलेगी, उस समय कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो चाइना पूरी इंडिया का चाइना के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो भैया चाइना भी बंद हो गया, इंडिया भी बंद हो गया, ना हमारे पास पैसा था और ना ही थर्मल पावर प्लांट वालों की नीयत है, नीयत से भी तो फर्क पड़ता है ना। ये सारी की सारी चीजें इसकी वजह से सरकार इसको बार बार एक्सटेंड कर रही है, और अगर सरकार ऐसे ही एक्सटेंड करती रही तो भैया पेरिस वाले टारगेट हम लोग कभी अचीव नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। नहीं चलिए थोड़ा सा टॉपिक आपको बता देता हूँ, वैसे यूपीएससी की प्रसक्टिव से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये, इंटरव्यू वगैरह में तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है तो उस केस में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए क्या है ना, क्वीन एलिजाबेथ तो चली गई है तो कॉमनवेल्थ के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि कॉमनवेल्थ कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। हालांकि कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कॉमनवेल्थ के अंदर तो बहुत सारी कंट्री है ना, 56 कंट्रीज हैं। इसके अंदर कुछ मोनार्कीज हैं, कुछ रिपब्लिक्स हैं और कुछ इसके अंदर जो है रियल्म्स हैं, ठीक है। रिपब्लिक जैसे इंडिया हो गया, मोनार्क जैसे आप समझ लीजिए जिसके अंदर किंग होता है कोई, ठीक है। वैसे जैसे ब्रूने हो गया वो मोनार्क होते हैं, एक रिपब्लिक होता है जैसे इंडिया रिपब्लिक है, ठीक है। कुछ है रियल्म्स, रियल्म का मतलब ये होता है कि जहां की जो चीफ होती हैं वो क्वीन होती हैं, ठीक है। क्वीन जैसे ब्रिटेन के अंदर क्वीन है, न्यूजीलैंड की रानी भैया वो भी एलिजाबेथ थी, ऑस्ट्रेलिया की रानी जो है वो भी एलिजाबेथ थी, कनाडा की जो क्वीन है वो भी एलिजाबेथ है, राइट। इन्हें कहा जाता है रियल्म। इस समय दुनिया में 14 टोटल रियल्म्स हैं जो कि ब्रिटेन की किंग को या किंग को या क्वीन को जो है अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं, जैसे एंटीगुआ बारबाडुआ ऑस्ट्रेलिया बहामस बिलीज कनाडा है ना ग्रैंड जमैका न्यूजीलैंड, इस तरह की 14 कंट्री हैं। तो क्या ये अभी कॉमनवेल्थ से बाहर आएंगे, इसके ऊपर जो है काफी बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया और अभी लास्ट टाइम में क्या हुआ था, थोड़े समय पहले कुछ कंट्रीज थी जैसे बारबाडोस वगैरह, उन्होंने जो है वो बाहर आ गई थी इस रियल्म से। तो धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है कि और भी कंट्री जो है वो आएंगी बाहर, क्योंकि एलिजाबेथ जब तक थी तो एक अलग बात थी, अभी थोड़ा भैया अभी प्रिंस आ गए हैं तो थोड़ी अलग बात है, ठीक है। बाकी आप लोग ज्यादा जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हांगकांग जो है वो बाहर आ गया था, चाइना को दे दिया था उन्होंने 1997 में दे दिया था, ठीक है। 1997 में जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है वो इंडिया में आई थी, जलियांवाला बाग के लिए उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया था, हालांकि हम लोग सोच रहे थे कि वो माफी मांगेंगी, उन्होंने माफी नहीं मांगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डिबेट चल रही है कि भैया क्या हम लोगों को क्वीन को हटा देना चाहिए अपने सुप्रीम लीडर से, तो वहां पे अलग से डिबेट चल रही है। न्यूजीलैंड के अंदर भी चल रही है, ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे हैं। बहामस के अंदर भी बातचीत चल रही है, तो ये तो कुछ चीजें हैं, बाकी अपने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंडिया को कॉमनवेल्थ से बाहर आना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। हालांकि इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला था तब भी सवाल खड़े हुए थे कि भैया क्या इंडिया को कॉमनवेल्थ का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब से लेके काफी सवाल उठाए जाते हैं। हर साल जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो ये सवाल जरूर उठता है। मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया को कॉमनवेल्थ से बाहर आना चाहिए, ठीक है भैया। अभी हमारी इकोनॉमी ब्रिटेन से ज्यादा हो गई है तो कोई मतलब नहीं है अभी। अच्छा, इकोनॉमी ना भी हो ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। एक तरफ आप कॉलोनियल पास्ट को दूर करने की बात करते हो, दूसरी तरफ उसी कंट्री के ग्रुप का पार्ट बने हुए हो और कोई ज्यादा ऐसा से बेनिफिट होता भी नहीं है उसकी वजह से, राइट। लेकिन बेनिफिट चाहे हो भी, लेकिन एक डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग बात होती है कि नहीं। चलिए दोस्तों आज इतना ही था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। संडे का दिन रहता है तो थोड़ा यूनिक करेक्टर होता है न्यूज़पेपर का भी, है ना। इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, इकोनॉमी सेक्शन से कम न्यूज़ आती हैं। तो जैसा भी रहा होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं प्रॉपर मॉर्निंग में एक नई न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।